राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने 4 दिवसीय दिल्ली दौरे से शनिवार की शाम पटना वापस आ गए। आपको बता दें कि लालू यादव 16 मई को राबड़ी देवी के साथ दिल्ली गए थे। सूत्रों की माने तो लालू यादव अपने पासपोर्ट के कुछ काम से पटना आए हैं, जिसे कराने के बाद वो वापस दिल्ली और वहां से फिर अपने स्वास्थ्य की जांच और डॉक्टर की सलाह के लिए सिंगापुर भी जा सकते हैं। लालू यादव जब अपनी पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के साथ पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां आरजेडी नेता और समर्थक पहले से मौजूद थे। सभी ने काफी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, जिसके बाद दोनों राबड़ी आवास के लिए रवाना हो गए। सूत्रों की माने तो लालू यादव ने सीबीआई की विशेष अदालत में पासपोर्ट रिलीज करने के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची की सीबीआई कोर्ट ने उनके पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दे दिया है। लालू अब अपनी किडनी की जाँच के लिए एक बार फिर सिंगापुर जा सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी। लालू यादव के पटना लौटने के बाद एक बार फिर से उम्मीद जताई जा रही है कि जिला महासचिव से लेकर जिला अध्यक्षों और खासकर आरजेडी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उन्हें जरूरी निर्देश देंगे, क्योंकि पिछली बार भी पटना प्रवास के दौरान उन्होंने पार्टी के कई महत्वपूर्ण कामकाज निपटाए थे।